दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में कल रात आतंकवादियों ने पीडीपी के पूर्व पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी। तीन आतंकवादी कल देर रात पूर्व पंचायत सदस्य मोहम्मद रमजान शेख 50 के नगबल स्थित घर में घुसे और उन्हें गोली मार दी। घटना के समय मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों ने आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया जबकि दो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। रमजान को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत आतंकवादी की शिनाख्त शोपिया के तेरेंस गांव निवासी शौकत कुमार उर्फ फ्लाई के रूप में हो गई है। आइए सुनते हैं पूर्व सरपंच के परिवार को। हम नमाज पढ़ने गया था, जब नमाज खत्म हुआ तो दो चार फायर हो गया, मैंने सोचा कि बाहर कुछ हो गया, फिर मैं यहाँ पहुँच गया था, यहाँ भाई था, दो चार फायर हो गया सर, नहीं देखा। जब मैंने भाई उठाया फिर मैंने मिलता नहीं देखा, मैंने खाली भाई उठाया, फिर गाड़ी भी ले जा, अस्पताल भी गया था सर। यह थी श्रीनगर से वसीम प्रजादा के साथ शबीर खान की रिपोर्ट।